नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने एक शॉर्ट बनाया था हाइपोथायरॉयडिज्म, मैं थायराइड की कमी, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के अभी बहुत सारे केस मिल रहे हैं, बहुत बढ़ रहा है, लेकिन इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आइए आज हम लोग जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म इन डॉग क्या है, ये डॉग में क्या करता है और इसके बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसके बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो मूलतः थायराइड की कमी है। जैसे घेंघा रोग होता है ना मनुष्यों में, ठीक उसी तरह से वो भी आयोडीन की कमी से होता है और ठीक उसी तरह से डॉग में भी घेंघा रोग होता है। और ये जो है इसीलिए ये जो है हाइपोथायरॉयडिज्म या थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी डॉग्स में हो जाता है। अगर ब्रीड की देखी जाए तो जनरली ज़्यादातर लैब्राडोर या देसी डॉग में बहुत ज़्यादा होता है। देसी डॉग में काफ़ी सारा होता है, काफ़ी माने कि इवन घर में भी रखने पर भी ये डॉग में इस डॉग में थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। ऐसा शायद जेनेटिक कारण हो इसका, क्योंकि खाना पीना सही रहने से भी हो जाता है। बहुत सारे डॉग ओनर मुझसे पूछते हैं कि हम लोग ऐसा क्या करें कि ये ना हो, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपने जो भी किया है सब कुछ सही किया है, लेकिन फिर भी हो जाता है क्योंकि जेनेटिक कॉज है। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने बिल्कुल सही सब कुछ किया है, फिर भी ये रोग हो जाता है। तो ये रोग जब हो जाए तो उसका पता कैसे लगे और होता क्या है इस बीमारी में? ये बीमारी जब भी हो तो डॉग में एक विशेष तरह का चर्म रोग होता है। चर्म रोग ये होता है कि अगर समझिए कि कोई बाएं तरफ कोई घाव है तो वही घाव जो है दाहिने तरफ उसी जगह में हो जाता है। जनरली कोहनी वगैरह में ये होता है, दोनों कोहनी में पहले हो गया या घुटने में हो गया, लेकिन कहीं भी हो सकता है। अगर इस गाल में है तो इस गाल में भी सेम उसी जगह वो हो जाएगा। उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं आइसोमेट्रिक बाइलैटरल लीजन। तो ये आइसोमेट्रिक बाइलैटरल लीजन या सिम्टम से आप पता लगा सकते हैं। डॉग थोड़ा सुस्त हो जाता है, हल्का सुस्त हो जाता है, खाने पीने में कोई कमी नहीं होती, खाना पीना वो ठीक ठाक करते रहता है। चर्म रोग थी वो होता है हेयर फॉल, मतलब उसका जो बाल झड़ता है बहुत ज़्यादा बाल झड़ता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं, गुच्छा गुच्छा में बाल झड़ता है। लोग सोचते हैं कि क्या, मैंने तो सब कुछ करा है, इलाज भी करवाते हैं लोग पेट ओनर्स, तो वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तब जो है ये हमें सोचना चाहिए कि ज़रूर इसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया होगा। तो थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है या थायराइड की डेफिशिएंसी हुआ है, कमी हुई है कि नहीं, ये कैसे जानेंगे? इसके लिए एक टेस्ट करवाया जाता है जिसको कहते हैं फ्री टी फोर टेस्ट। फ्री टी फोर टेस्ट अगर करवाएंगे डॉग के ब्लड से वो किया जाता है, और उसे उसमें अगर जो है अगर डायग्नोसिस में अगर कन्फर्म हो गया तो हम लोग कहेंगे कि डॉग को हाइपोथायरॉयडिज्म हो चुका है, डॉग वो सुस्त हो जाता है, ये सब होता है। तो मैंने ऐसे देखा है कि कभी कभी डॉग तो इतना ज़्यादा सुस्त हो जाता है कि उसे मतलब पकड़ के उठा के मेरे क्लिनिक में लाते हुए मैंने देखा है, वो एकदम अपंग हो जाता है। लेकिन जानते हैं कि ये इसकी जो दवाई है वो चलाएंगे तो जो डॉग एकदम लेटा हुआ है, पैरालिसिस मार चुका है लगता है, वो डॉग भी उठ के खड़ा होता है। इसका दवा है थायरॉक्सिन, उसकी दो दवाइयाँ आती हैं, एक है थायरोनॉर्म, एक है एल्थ्रॉक्सिन। ये दोनों दवाइयाँ ह्यूमन मेडिकल शॉप में आराम से प्रिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, डॉक्टर साहब लिखेंगे तो आपको ये दवाई मिल जाएंगी। तो ये डॉग ये दवाइयाँ कभी भी स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, मतलब वो कम डोज से स्टार्ट करते हैं, 25 mcg से पहले स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं, और फिर जब ठीक होने लगता है डॉग तो उसे धीरे धीरे टेपर करते हैं, मतलब धीरे धीरे कम करते हैं। अचानक से स्टार्ट करेंगे, अचानक से करेंगे तो फिर दिल की धड़कनें बहुत बढ़ सकती हैं इसमें, जैसे तो इसीलिए हम लोग जब भी ये दवाइयाँ चलाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि डॉग को ज़्यादा एक्सरसाइज मत करवाइए, ज़्यादा भाग दौड़ मत करवाइए, क्योंकि उससे क्या होता है हार्ट बीट बहुत तेज़ हो सकता है और उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो आप जो है ये जब भी दवाइयाँ दें तो टेपर करके धीरे से स्टार्ट करें और उसका डोज भी धीरे धीरे उसके बंद करें और एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा नहीं करवाएं। और डॉग में ये दवाई पड़ने से वो जो चर्म रोग जो ऐसे ठीक नहीं हुआ था, एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं हुआ था, कितनी तरह की दवाइयाँ और वो क्रीम व्रीम लगा दिया होगा डॉग ओनर ने,
वो एकदम मैजिक की तरह ठीक होता है, मैजिक की तरह। मैंने लगता है कि वो घाव एकदम जादू आ गया, इस तरह से वो ठीक होता है। और इसे आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? आपको इसमें देखिए जेनेटिक कॉज है मेनली, आपको करने को कुछ है नहीं, आपने जो भी किया है सब बिल्कुल सही किया है, इसलिए आपको प्रिवेंट करने का कोई है नहीं। फिर भी अगर कभी कभार सोंधा नमक अपने डॉग को, डॉग के खाने चिकन अगर आप देते होंगे तो चिकन मटन अगर कोई देते होंगे तो उसमें थोड़ा सोंधा नगर ऊपर नमक ऊपर से छिड़क देंगे तो इसमें प्रिवेंशन होता हुआ देखा गया है। लेकिन ये सटीक नहीं है, जेनेटिक कॉज रहेगा तो फिर तो ये देने के बाद भी हो जाएगा। तो ये इलाज इसका बहुत सही है, बहुत आसान है, तो इसी से आपके डॉग एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा हाइपोथायरायडिज्म। और इसी तरह के वीडियोज़ मेरे चैनल में और भी आते रहेंगे, और इस तरह के वीडियोज़ को आप पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। कोई क्वेरी हो तो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जवाब दूंगा। और थैंक्स बटन दबा के जो भी देंगे, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका मैं जवाब हमेशा अवश्य देता हूँ। उसमें 40 रुपये लगते हैं, 40 रुपया इफ़ यू कैन स्पेंड ओनली 40 रुपीज़, यानी 40 रुपया अगर आप खर्च कर सकते हैं तो आपको ये जवाब गारंटीड मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।